हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी का ऑनलाइन इंटरव्यू प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा डिस्कशन है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और यूपीएससी एवं यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में बहुत ही काम आने वाला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं अपीयर होने, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो 2018 की जो यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम है उसकी इंटरव्यू की डेट आ चुकी है और 13 जुलाई से इंटरव्यू प्रारंभ होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, खास करके जो हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के भी हैं, वो मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 2019 की सिविल सेवा की परीक्षा का इंटरव्यू दिया है हिंदी माध्यम से। तो मैंने किस तरह से जो साक्षात्कार का जो ये चरण है उसकी प्रिपरेशन किस तरह से की थी, मैंने अपने नोट्स किस तरह से बनाए थे, अभी मैं आपको देखिए यहाँ पे मैं नोट्स हैं एक बार शेयर दिखाता हूँ। ये रहे मेरे नोट्स, कुछ शॉर्ट में नोट्स हैं, बाकी पूरे तो ये नोट्स नहीं हैं, तो मैं दिखाऊंगा आपको ये पूरे प्रॉपर कि किस तरीके से, हालांकि इसको थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर में ये नोट्स बनाए थे, अब मैंने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है। तो आप देखेंगे मैंने किस तरह के नोट्स बनाए और किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन इंटरव्यू की उसको अंजाम दिया। तो आज हम बेसिकली पूरे चर्चा में यही देखेंगे कि क्या करना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ काम की बातों को कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ अच्छे हैं और आप वीडियो देखते हैं और आपको लग रहा है कि अच्छे हैं, तो इसके लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। अब हम चलते हैं जो आज का हमारा कंटेंट है डिस्कशन का। तो देखिए, जब आप इंटरव्यू अपीयर होने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो उन लोग के बहुत बहुत बधाइयाँ जो कि 2018 की चाहे यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का भी इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर 2020 में अब पूरी तरह से फोकस्ड हैं, तैयार हैं और जाने वाले हैं देने, तो उन सभी लोगों को बहुत बधाइयाँ। अब देखिए, आप इस बात को समझिएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इंटरव्यू की। ठीक है, मैंने इसके दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, पहला और दूसरा। पहली बात कर लेता हूं अपीयरेंस की, कि जब आप इंटरव्यू हॉल में अपीयर हो रहे हैं, हॉल में आप इंटर कर रहे हैं, तो आपकी अपीयरेंस किस तरीके की है, वहां पे जो अपीयरेंस है आपका जब आप शुरू में इंटर करते हैं हॉल में, तो आप किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, आपके हाव भाव क्या है, आपका ड्रेस क्या है, ठीक है, इवन उसके बाद जब आप जाके सीट पे बैठ रहे हैं, जो वहाँ पे जो चेयर है उस पर जब बैठ रहे हैं आप, तो आपका बैठने का तरीका कैसा है, आप किस तरह से आपका पोस्चर है, ये सारी चीज़ें शुरू के एक दो मिनट की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक। अब इस बात को समझिएगा कि किस तरह का ड्रेस सेंस होना चाहिए, किस तरह से आप बैठेंगे वहां पे, इंटरव्यू के दौरान बोलते समय क्या आपके हाव भाव होने चाहिए। तो इसको मैं रख देता हूं पहले अपीयरेंस के सेक्शन में, यानी अगर मैं दो टुकड़ों में इंटरव्यू को तोड़ दूं तो पहला जो सेक्शन होगा अपीयरेंस का, उसमें ये तीन चीजें आएंगी। इसको मैं वेटेज दे लेता हूं इंटरव्यू के मार्क्स में अपीयरेंस को, 10-20% मार्क्स। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है तो ये 10 मार्क्स मान के चलिए, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू है तो 100 नंबर और यूपीएससी का इंटरव्यू है तो 275 नंबर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 10% वेटेज आप दे सकते हैं कि आपकी अपीयरेंस को दिया जाएगा, आप किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, हाव भाव क्या है। जो दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन है, नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, नॉलेज एंड पर्सनैलिटी में भी नॉलेज को अगर आपको वेटेज देना है तो इसको रख लीजिए आप 40%। ठीक है, बाकी वेटेज रख लीजिए आप 50% आपके पर्सनैलिटी का वेटेज। ठीक है, और सबसे ज्यादा आप देखेंगे मैंने मार्क्स अलॉट किए पर्सनैलिटी को, यानी इंटरव्यू बोर्ड, क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है तो सबसे ज्यादा इंटरव्यू बोर्ड का भी फोकस होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने, क्योंकि आपकी नॉलेज ऑलरेडी वो चेक कर चुके हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज वो सारी चेक कर चुके हैं, प्री करा चुके हैं आपके साथ मेंस करा चुके, तो अब वो नॉलेज चेक करने का बहुत कुछ रहा नहीं है, अब वो केवल आपको देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं, यानी एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो आपके अंदर संभावनाएं हैं कि नहीं कि आप सिविल सेवा एग्जाम में पास करने योग्य हैं कि नहीं है, वो ये चेक करना चाहते हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी में वो क्या चीज़ चेक करेंगे, ठीक है, तो मैं पहले उसको बता देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ नॉलेज पे, नॉलेज की बातें करूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स तैयार करना है, उसकी बातें अभी डिटेल में करूँगा। उसके पहले जो छोटी छोटी जो नट बोल्ट हैं उसको कस लेते हैं, ठीक है, ताकि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो देखिए, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी में कई चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए और एनालिटिकल स्किल खास करके होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक चीज़ और लिख लीजिए, हम्बलनेस, ये होना चाहिए। ठीक है, हम्बलनेस होना चाहिए, ये बात आपके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हम अपीयरेंस पे आएंगे, अपीयरेंस की चीज़ों को अभी डिस्कशन मैंने नहीं किया है, अभी इसको करूँगा मैं, बिल्कुल मुझे याद है चीज़ें। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपको ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, एनालिटिकल स्किल और हम्बलनेस, ये चार पांच चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में अवश्य होने चाहिए।
अब देखिए कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, इस बात को आप थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इस बात को आप समझिएगा, मान लीजिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आंसर सीधे नहीं देना है, मतलब एग्जैक्ट नहीं देना है। जैसे अगर मैं एक बात करूं, मैं यहां पे एक पेज ऐड कर देता हूं, ठीक है, ताकि डिस्कशन आसानी से हो सके। हाँ, मान लीजिए यहां पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे पूछा गया कि आर्थिक ऐसे पूछा जाएगा, क्या भारत में आर्थिक मंदी आ चुकी है। मान लीजिए ऐसे आपसे इंटरव्यू बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा कि भारत आर्थिक मंदी का शिकार हो चुका है, तो एक तरीका है आप बोल दें हाँ सर हो चुका है और प्रॉब्लम है, भारत में आर्थिक मंदी हो चुकी है, या फिर आप बोल दें कि नहीं सर भारत में आर्थिक मंदी नहीं है, दूसरा आप ये बोल दें, ठीक है, है ना, ये आपने बोला। दूसरा तरीका आपने ऐसे बोला, सर अगर मैं 2-3 साल के GDP के आंकड़े को देखूं तो GDP की ग्रोथ रेट है वो गिर रही है, यानी पहले 8% थी, उसके बाद घट के 7% हुई, अब 6% हुई, और इस बार लोगों का प्रेडिक्शन है कि 1.5% या 1% हो जाएगी। तो GDP पॉजिटिव है लेकिन गिर रही है, यानी आर्थिक मंदी तो नहीं है सर। जो रिसेशन कहा जाता है, रिसेशन का मतलब क्या होता है, दो क्वार्टर में अगर लगातार 2 क्वार्टर तक या 3 क्वार्टर, जो भी आप डिफिनेशन एक बार अवश्य चेक कर लेंगे, GDP निगेटिव रहे तो उसको बोलते हैं, GDP ग्रोथ रेट निगेटिव रहे तो बोलते हैं आर्थिक मंदी। तो ऐसा तो सर सिचुएशन नहीं है, लेकिन स्लो डाउन है, क्योंकि 8 के बाद 7 हुआ, 6 हुआ, 1.5 हुआ, स्लो डाउन है। आप इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी आ रही है चीजों में, है ना, आप पॉइंट अपने आंकड़ों के साथ अपने पॉइंट्स बताएं, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन उसने पूछा, आपने इसका आंसर दिया, इसका सेकंड क्वेश्चन उसने फिर पूछा, अच्छा आर्थिक आप बोल रहे हो स्लो डाउन है, ऐसा उसने बोला कि चलो स्लो डाउन आप बोल रहे हो, अब स्लो डाउन है इसके कारण बता दो, ठीक है। तो आप एक कारण ऐसे बता सकते हैं, सर GST लग गई, डिमोनेटाइजेशन आ गया, अभी कोरोना वायरस आ गया तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो ये कुछ कारण है, आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या बता सकते हैं, दो इस तरह से बोल सकते हैं, सर इसके दो तरीके के कारण है, एक आंतरिक कारण, दूसरा मैं कह सकता हूँ सर बाह्य कारक है, ठीक है। बाह्य कारकों में मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि US, अच्छा ऐसे नहीं बोला आपने देखा होगा, मैं जस्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं, US चाइना ट्रेड वॉर पहला, दूसरा हो गया ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं, तो हमारे यहाँ जो एनर्जी की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई, एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। तीसरा बता सकते हैं सर कोरोना वायरस, ये तीन कारण हो गए बाह्य कारक जो GDP को परेशान कर रहे हैं। आंतरिक कारकों में बात करूं तो हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ संरचना ऐसी है, इसके अलावा हाल भाई GST लाया गया, डिमोनेटाइजेशन लाया गया, उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। इन चीज़ों को आप उसके बाद बाह्य और आंतरिक कारकों में तोड़ के बता सकते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है, आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी एंड एनालिटिकल स्किल है साथ में, ठीक है। अच्छा मान लीजिए यहीं पर इसी एग्जांपल में, मान लीजिए वो बोर्ड मेंबर से बोला है, यार तुम ये पॉइंट तो छोड़ दिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भारत में श्रम या फिर भारत में MSME सेक्टर, मान लीजिए बोर्ड मेंबर ने बोला कि भारत में MSME सेक्टर बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और तुमने ये तो पॉइंट नहीं बोल दिया कि सर इसको NPA की प्रॉब्लम तुमने नहीं बताई, आर्थिक मंदी में तुमने NPA की प्रॉब्लम नहीं बताई कि स्लो डाउन में एक NPA की भी प्रॉब्लम है, माय बोर्ड मेंबर ने ऐसा बोला, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे, उससे झगड़ा करना नहीं शुरू कर देना, नहीं सर NPA की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको तुरंत बोलना है अगर आपको लग रहा है कि सही बात है, सर की बात में दम है, जो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर बोल रहा है उसकी बात में दम है, तो आप तुरंत बोलेंगे सॉरी सर मैं इस बात को भूल गया था, और बिल्कुल सही है एक NPA बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी आपके अंदर हम्बलनेस आप दिखाएंगे, सॉरी थैंक यू इसका यूज करेंगे, एंड थैंक यू सर फॉर करेक्टिंग मी, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। इवन हम्बलनेस का एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए कोई चीज़ पूछा उसने और आपको नहीं आता है, ठीक है, आपको नहीं आता है, तो आप बोलेंगे प्रॉपर कि सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर मैं इसको जाके चेक करूंगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मुझे नहीं पता, सीधे ऐसे नहीं बोलेंगे सर मुझे नहीं पता, आपको प्रयास करना होगा कि आप बताएं कि सर मैं जिज्ञासु हूं, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता लेकिन मैं जाके अवश्य चेक करूंगा, हालांकि मैं अभी कन्फर्म नहीं हूं, ठीक है। इन चीज़ों को आप वहां पे अवश्य बोलेंगे, तो आपके अंदर हम्बलनेस भी होनी चाहिए इंटरव्यू में जब आप देने जा रहे हैं तो उसके दौरान। इसके अलावा जो ऑनेस्टी का पार्ट है ये बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी होनी चाहिए भाई। कोई भी बोर्ड मेंबर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बाउंसर खिलाया, हो सकता है आपको नहीं आता हो चीज़ें, तो आप उसमें तुक्का नहीं लगाएंगे, गेस वर्क बिना, अगर जब तक बोर्ड मेंबर नहीं बोल रहा है कि ठीक है गेस करो, तब तक गेस वर्क बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब बोर्ड मेंबर बोले कि ठीक है अब गेस वर्क करिए, आप बताइए कि क्या बात है, तब आप गेस वर्क करें, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, है ना, कोई भी आंकड़ा ऐसे उसने पूछा, मान लीजिए सीधे ऐसे पूछ दिया कि गोरखपुर में कितने गाँव हैं, ठीक है, क्या पता वो आपका जस्ट हाजिर जवाब ही चेक करने के लिए बोल रहा हो, तो दो ऑप्शन है आपके पास, आप तुक्का मार सकते हैं कि 1000 गाँव हैं सर, या फिर 876 गाँव ऐसे बता दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं सर नहीं पता,
तो मेरे हिसाब से अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने गांव है तो आपको यही बोलना चाहिए, ऑनेस्टी शो करनी चाहिए कि हाँ सर मुझे नहीं पता। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, ऑनेस्टी का जो आप कह सकते हैं जो वैल्यू है वो इंटरव्यू के दौरान ज्यादा जरूरी है। तो हमने पर्सनैलिटी के पार्ट में देख लिया कि क्या पर्सनैलिटी के पार्ट होने चाहिए इंटरव्यू में, ये चीजें मैंने बता दी। अभी नॉलेज का हम चेक करते हैं, और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपीयरेंस की, किस तरीके का अपीयरेंस होना चाहिए। तो देखिए अपीयरेंस में सबसे पहली बात, आपका ड्रेस फॉर्मल्स होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सूट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर टाई होनी चाहिए, है ना, शूज होने चाहिए ब्लैक। तो आपका जो अपीयरेंस है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं फॉर्मल अपीयरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ब्लैक सूट नहीं है तो इवन फॉर्मल्स में आप शर्ट और पैंट भी पहन सकते हैं, ठीक है, टाई के साथ। तो आप इस तरह के कोई फॉर्मल यूज कर सकते हैं। हालांकि जो वॉचेज होती हैं, ठीक है, वो बाहर ही निकलवा लिया जाता है, तो वॉच पहन के जाने की जरूरत नहीं है। ग्लास आप लगा सकते हैं, आई ग्लास। ठीक है, आई ग्लास भी लें तो जो नई डिजाइन की आ रही है, जैसे कैट आई, है ना, बड़ी बड़ी जो ग्लासेस आ रही हैं, इस तरीके की ना लें। एकदम सिंपल जो चौकोर होती हैं, है ना, इंटरव्यू बोर्ड को यही पसंद होता है, एकदम बिल्कुल जो आप कह सकते हैं सीधे एकदम सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उस तरीके का सिंपल आई ग्लास भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी, मैंने कहा था फॉर्मल ड्रेस की। अब बात करता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट की, किस तरह से जाके बैठना है। तो देखिए बैठने का पोस्चर यहाँ पे क्लियर है, आपको बैठना है बिल्कुल इस तरीके से। ये राइट पोस्चर लिखा हुआ है, ये रॉन्ग पोस्चर लिखा हुआ है, मतलब आप झुकेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से इस पे ये जो है ये इस डायरेक्शन बना हुआ तो इस डायरेक्शन बन जाए, मतलब आपने पूरा पीछे एकदम जैसे घर पे बैठते हैं ना चेयर पे, या फिर आप देखे होंगे सोफे पे जल्दी बैठते हैं तो एकदम फैल के बैठते हैं, उस तरीके से नहीं बैठना है। ये भी पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एकदम स्ट्रेट। हाथ भी देखिए आपको घुटनों पे ही रखना है एकदम क्लियर, हाथ ऐसे घुटनों पे रखें। ठीक है, ये पोस्चर आपका बिल्कुल होना चाहिए, तो इसको राइट पोस्चर होगा एकदम स्ट्रेट। जो छाती आपकी बिल्कुल 56 इंच की छाती तनी हुई नहीं चाहिए, ठीक है, 56 इंच की सीना होना चाहिए वहाँ पे। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है मैंने वो बता दिया कि एकदम स्ट्रेट बैठना है। देखिए आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है, इंटरव्यू का एक पार्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का भी पार्ट है आई कॉन्टैक्ट। जब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे तीन मेंबर बैठे हैं। एक तरीका ये है, मान लीजिए इस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, ये इसने क्वेश्चन पूछा जो सामने है, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ठीक, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से, तो मैं केवल इनके साथ आई कॉन्टैक्ट में हूँ। या फिर दूसरा तरीका है, तो पहला ऑप्शन ये हो गया कि मैं जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है मैं उसके साथ ही, यानी बोर्ड मेंबर के साथ ही मैं आई कॉन्टैक्ट पे हूँ, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जो क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो मैं इसके साथ आई कॉन्टैक्ट में हूँ, जब आंसर दे रहा हूँ तो बीच में एक बार इनको भी देख लिया, इनकी आई से भी एक एक बार कॉन्टैक्ट कर लिया, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका, मैं ऐसे बैठ जाऊँ, यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट था ये ऊपर, हाँ ये रहा, मैं नीचे देख रहा हूँ, यहाँ नीचे अपने घुटनों पर देख रहा हूँ, ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया। देखिए तीसरा तरीका बिल्कुल नहीं करना है, इन दोनों तरीकों में आपको जो अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों के अपने फायदे दोनों के अपने नुकसान है। ठीक है, तो आप या तो जो बोर्ड मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है केवल उससे भी आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बीच बीच में एक बार जो बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं उनसे भी आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट की दो चीज़ें हो गई, अब हम बात करते हैं नॉलेज की। ठीक है, कि नॉलेज में आपको क्या क्या बेसिकली तैयार करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी की ऑलरेडी मैंने चर्चा कर दी कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब देखिए उसमें ये नहीं है कि आप बहुत फैटी हैं या फिर बहुत स्लिम ट्रिम हैं, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, है ना, तो ये कोई काम मतलब आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस सिंपल जाइए। पर्सनैलिटी में आपके हट्टा कट्टा होना, आपका स्लिम होना, आपका क्या कहते हैं डल होना, थोड़ा सा डल होना वैसे निगेटिव पर्सनैलिटी का इफेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, जो आंतरिक पर्सनैलिटी है, यानी जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी है, जो ऑनेस्टी है, जो एनालिटिकल स्किल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के नज़रिए से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है यार, क्या क्या तैयार करें, है ना, कितनी चीज़ें तैयार करें, तो कैसे कैसे तैयार करें। तो देखिए तीन चीज़ों में आप चीज़ों को तोड़ लीजिए, आपकी जो प्रिपरेशन है पूरी उसमें तीन चीज़ों को तोड़ लीजिए। ठीक है, यूपी रिलेटेड इशू, क्योंकि आप UPPCS अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यूपी रिलेटेड इशू, इवन आप UPSC देने जा रहे हैं और फिर भी आप यूपी के हैं, या फिर आप मान लीजिए गुजरात के हैं तो गुजरात रिलेटेड इशू यहाँ पे वो हो जाएगा, यूपी के हैं तो भी यूपी रिलेटेड इशू। तो पहला इंटरव्यू में जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा यूपी रिलेटेड इशूज का। ठीक है, यूपी रिलेटेड इशूज का। दूसरा आपका डैफ, डैफ मतलब होता है डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं डैफ। इसमें क्या होता है, आप अपनी जानकारी देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करूँ। ठीक है, ये मेरा डैफ, देखिए ये मेरा डैश है, यहाँ पे देखेंगे लिखा है UPSC डिटेल अप्लीकेशन फॉर्म 2018। ये 2018 वाला इवेंट जिसमें मैं फर्स्ट टाइम मेंस में अपीयर हुआ था उस समय का है। ठीक है, इसमें मेरी पूरी बायोडाटा दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, इवन मोबाइल नंबर था तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है,
तो पूरा डाटा दिया हुआ है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ ये सब दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कैटेगरी दी हुई है ना, कैटेगरी दी हुई है। तो मान लीजिए अभी इसको मैं और डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है आपने कोई प्राइस, यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, प्राइस मेडल्स स्कॉलरशिप, ठीक है। तो मैंने अपने पूरे प्राइस लिखे हैं कि KVPY इंस्पायर फेलोशिप, ये सब मैंने लिखा। स्पोर्ट्स, तो मैंने क्लियर यहाँ पे बताया है कि मैंने किन किन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो देखिए क्लियर लिखा हाफ मैराथन, ठीक है, शॉर्ट ट्रैक, ये सब मैंने क्लियर लिखा, पैराग्लाइडिंग, फॉक्स फ्लाइंग, ये सब लिखा, ठीक है। कोई कॉलेज में आपने स्पेशल लीडरशिप की पोजीशन हेल्ड की है तो उसके बारे में बताया कि ये चीज़ें हेल्ड की है। तो ये चीज़ें आपकी डेफ होती है, बेसिकली ये चीज़ होता है आपका डेफ, कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या एक्स्ट्रा कैलिकुलर है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या चीज़ आते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। इसको बोलते हैं हम डिटेल अप्लीकेशन फॉर्म, मतलब इंटरव्यू बोर्ड के पास ये डेफ आपके पास होता है, इंटरव्यू बोर्ड के पास, ठीक है। डेफ यूपीएससी और यूपीपीसीएस का हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जहां तक मुझे पता है कि यूपीपीसीएस में एक अंतर ये होता है आपका नाम नहीं होता है डेफ पे, ठीक है, शायद अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं क्योंकि मैंने दिया नहीं है तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो आप उस हिसाब से देख ले, डेफ तो अवश्य भरा जाएगा, ये तो क्लियर बात है कि डेफ होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं बात करूं अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो देखिए पहला तो क्या यूपी रिलेटेड इश्यूज, अभी इसके बारे में देखते हैं कि कैसे होंगे। फिर दूसरा होगा डेफ, डेफ की प्रिपरेशन यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा, जो कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के पास होता है उस समय, तो वो चीज़। तीसरी होती है करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल, यानी करंट अफेयर्स अभी करंट में क्या चल रहा है और आपका ऑप्शनल क्या है, मान जैसे मेरा जियोग्राफी है, ठीक है, तो जियोग्राफी है तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, तो इन तीनों चीज़ों की आपकी तैयारी बेसिकली करनी होगी, आपके नॉलेज पार्ट में ये तीनों चीज़ें खास करके चेक की जाएंगी, ठीक है। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं कि यूपी रिलेटेड इशू को कैसे तैयार करना है। ठीक है, यूपी रिलेटेड इशूज में दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक को क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन, दूसरे हम क्वेश्चन को बोल सकते हैं अनकन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है, यूपी रिलेटेड। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन क्या है यूपी से रिलेटेड, जैसे कन्वेंशनल क्वेश्चन में बोल दूं बजट, ऐसे सीधे पूछ देगा, अगर आपको नॉलेज भी चेक करनी होगी, आपका ऑब्जेक्टिविटी चेक करना होगा तो आपसे पूछ देगा, और आपका क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना होगा तो पूछ लेंगे इस साल का यूपी का बजट कितने रुपए का है, सीधे ऐसे पूछ देंगे, ठीक है, तो कितने रुपए का है, तो आप एग्जैक्टली आप ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है यूपी के हैं तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस आप देख लें, ठीक है। ऑब्वियसली बात है मैं कोशिश करूंगा मेरे पास जो है यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं शेयर कर दूं आप लोग के साथ, ठीक है, जो लोग दे रहे हैं इंटरव्यू वो लोग मुझे मेल करें, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं यूपी पीसीएस का, और अगर किस वीडियो को देख रहे हैं तो GTripathi, ठीक है, @meme.iitr.ac.in इस पर मुझे मेल करें, तो जो यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो मटेरियल्स हैं, मैं उसको सेंड कर दूंगा, वापस मेल कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग फिर बिना मतलब के यार पढ़ाई आप लोग, ठीक है, अभी प्री मेंस के करते रहिए, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन की जब रिक्वायरमेंट होगी तो कर लीजिएगा, तो मैं उनको सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो मेल पे सेंड कर दूंगा, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो देखिए कन्वेंशनल क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो कन्वेंशनल क्वेश्चन बजट एक सीधे सीधे पूछ लिया, इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन में, एक जो बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन मतलब हर बार पूछा जाता है, जैसे मैंने मॉक दिए हैं 10-15 मैंने मॉक दिए हैं टोटल, ठीक है, मेरे पास सारे वीडियोस हैं, मैंने एक अपलोड भी किया है, आप देखें यूपीएससी हिंदी पे प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पे मैंने एक मॉक वीडियो अपना दृष्टि आईएएस का मैंने अपलोड किया हुआ है कि किस तरह से वहाँ पे मॉक हुआ था, उससे भी आप सीख सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे कन्वेंशनल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता था कि यार ईस्ट और वेस्ट यूपी में क्यों जो डेवलपमेंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कि ईस्ट यूपी अंडर डेवलप्ड है, वेस्ट यूपी काफ़ी डेवलप्ड है, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर रहे होंगे। अभी इस क्वेश्चन को कैसे तैयार करेंगे तो इसका भी मैं बोलूंगा, इसका भी पूरा आंसर आपको ऑब्जेक्टिव आंसर देना होगा, एनालिटिकल आंसर देना होगा। आप क्या बताएंगे सर कई कारण हैं, पहला कारण ये है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड क्यों है क्योंकि जियोग्राफी ऐसी है कि मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा ईस्ट यूपी में मिलती है, इस कारण ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और इसी कारण अंडर डेवलप्ड होने का पहला कारण ये है। दूसरा ये जो वेस्ट यूपी रीजन है, वेस्ट यूपी रीजन जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली जो भारत का एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, इसके स्फीयर इफेक्ट में है यानी इसके बगल में आता है, इसका इफेक्ट भी यहाँ पे पड़ा है, इन्फ्लुएंस भी पड़ा है, इस वजह से भी ये रीजन ज़्यादा डेवलप हुआ, ये रीजन अंडर डेवलप हुआ है। इसके अलावा आप कुछ भौगोलिक आकृति से बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मैदान है, ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को पॉलिटिकल बता सकते हैं कि सर यहाँ पे डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया, जो नीतियाँ बनी इस क्षेत्र को ध्यान में रख के नहीं बनाई गई, तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली फोकस इन चीज़ों पे करना होगा अलग अलग, ठीक है, कि क्या डेवलपमेंटल इश्यूज हैं क्या नहीं हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, है ना। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि और तरीके के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं।
तो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन हो गया, आप ईस्ट वेस्ट यूपी का डिफरेंस देख सकते हैं, इसके अलावा और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि क्या यूपी को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ये पहले से क्वेश्चन सेट हैं, पहले से बन चुके क्वेश्चन हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है अनकन्वेंशनल, जो एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर से टॉपिक से उठा लिए जाते हैं। जैसे अभी योगी सरकार की चल रही है ठोको पॉलिसी, तो इस ठोको पॉलिसी पे क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि ये बताइए इनकाउंटर को आप क्या मानते हैं, सही है या गलत है, इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। या ऐसे पूछे कि आप एक जिले के डीएम हैं और आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकाउंटर करिए, तो आप क्या करेंगे, या आप मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं तो आप इनकाउंटर कर देंगे कि नहीं कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अनकन्वेंशनल पार्ट इस तरीके का हो सकता है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज की, डेफ की। तो देखिए, डेफ सबसे इंपॉर्टेंट है और थॉरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मतलब अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इंटरव्यू का, तो सबसे ज़्यादा फोकस मैं किस चीज़ पे रखूँगा, अपने डेफ पे रखूँगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे। सारे क्वेश्चन, मतलब मेरे इंटरव्यू जो 2019 में मेरा इंटरव्यू हुआ है यूपीएससी का, इससे मुझे, मेरे से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 90% क्वेश्चन मेरे डेफ से पूछे गए थे। सीधे डेफ उठाया, जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसके पास आपका यही डेफ होता है, इसको उठाते हैं, जैसे ऐसे पूछ देते हैं, जैसे मेरे से क्या पूछे जा रहे थे ऐसे क्वेश्चन। से आप देखेंगे डेफ में काफ़ी सेक्शंस होते हैं, डेफ में कई सेक्शंस होते हैं। जैसे देखिए, शुरू में होता है आपका बर्थ डेट क्या है, ठीक है, तो बर्थ डेट पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि यार बर्थ डेट पे आपका और कौन ऐसा खास इंसान है जो पैदा हुआ होगा, इस तरह का क्वेश्चन रैंडम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपकी किस जगह से आए, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि गोरखपुर से आया हूँ, अब गोरखपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, सीएम आपके गोरखपुर से ही हैं, तो क्या डेवलपमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं डेफ से। ये बन सकता है कि गोरखपुर की प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिफिक इश्यूज क्या है गोरखपुर के, ठीक है, तो डेफ से ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मेरे से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, खास करके डेफ पूछे गए थे, तो आपको डेफ में एक एक चीज को डिटेल में तैयारी करनी है। मतलब गोरखपुर अगर उठाऊं, तो गोरखपुर की लोकेशन, जियोग्राफी, यहाँ की आप कह सकते हैं जो जनसांख्यिकी है, ठीक है, जो जनसांख्यिकी आंकड़े हैं उसको तैयार करूंगा। यहाँ का क्या खास चीज़ें, कौन सी फसलें बोई जाती हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कौन से इंडस्ट्रीज हैं गोरखपुर में, ये चेक करूंगा, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं गोरखपुर में। और आप डीएम बन जाएंगे, आप एक ऑफिसर बन जाएंगे, तो आप सबसे पहले किन इश्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो वो चीज़ें मैं ऐसे करके तैयार करूंगा लगभग हर चीज़ों को। अभी मैं दिखाता हूं, बट मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी उस चीज़ को मैं दिखाता हूं। इसके अलावा डेफ का जो दूसरा सेक्शन होता है, उसमें ये होता है आपने क्या क्या किया है आज तक। तो पहले तो यहाँ पे ये होता है कि आपने कौन कौन से कॉलेज से पढ़ाई की, तो वो होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अब हो सकता है कि क्वेश्चन, मतलब आपने भी किसी ऐसे कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन किया हो जो कि आपके नेटिव प्लेस से अलग जगह पे है, तो मैं गोरखपुर का हूँ और अलग जगह पे है, तो हो सकता है क्वेश्चन इसके लोकेशन से पूछा जाए, आईआईटी रुड़की कहाँ है, इसकी हिस्ट्री कहाँ है। जैसे ये काफ़ी फेमस कॉलेज है, एशिया का सबसे पुराना टेक्निकल कॉलेज आईआईटी रुड़की है, ठीक है, तो इससे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब बना, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ आईआईटी रुड़की का, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक पार्ट होता है डेफ का, वो होता है आपका प्राइज मेडल, स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स और पोजिशंस, और आपके हॉबीज और इंटरेस्ट क्या क्या है। तो ये चार चीज़ें अलग सेक्शन में होती हैं। अब आपको ये चीज़ें और डिटेल में तैयार करना है। जैसे मेरी हॉबीज़ क्या है, चेस खेलना, ठीक है, फ्लूट बजाना यानी बांसुरी बजाना, ट्रेकिंग है, ठीक है, फुटबॉल देखता हूँ, स्पेनिश लीग, तो इसकी एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, इवन ब्लॉग वॉग भी लिखता था पहले, है ना। ये चीज़ें हैं मेरी हॉबीज़, है ना, इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरे से इस बार सिंपल क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी इंटरव्यू में कि आप बताइए कुछ चेस प्लेयर के नाम बताइए, ठीक है, फ्लूट प्लेयर के नाम बताइए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इस थोड़ा सा इस चीज़ों को डिटेल में तैयार करेंगे, अब मैं दिखाऊंगा मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। तो ये हो गया आपका डेफ की तैयारी, और डेफ आपका ढंग से तैयार होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैं फोकस करूंगा, सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगा तो मैं डेफ से दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डेफ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है हॉबीज, स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, आपने क्या किया, इवन डेफ में ही लिखा होता है कि हो सकता है कि आपकी एज 30 साल हो गई हो, है ना, और आपने 22 साल में पहला अटेम्प्ट दिया हो, तो आपसे पूछ सकते हैं भाई 8 साल का गैप आप कर क्या रहे थे। ये सारे क्वेश्चन आपके डेफ से ही क्रिएट हो जाते हैं, तो इस बात को समझिएगा कि डेफ प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, करंट अफेयर्स प्लस ऑप्शनल, आपकी प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स होगा और ऑप्शनल होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ईजी यूज होते हैं, जैसे ऑप्शनल में जैसे मेरे से पूछे जा सकते हैं कि जियोग्राफी क्यों लिया, ठीक है। अब इसका भी आंसर मैं कैसे दूंगा, अलग अलग तरीके से दे सकता हूँ। एक तो सर नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, ये तरीका हो सकता है। दूसरा, सर काफ़ी पसंद था जियोग्राफी, ये हो सकता है।
तीसरा तरीका है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर मैंने ऐसे बोला भी था, इवन जो 2019 का मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था, मैंने बोला सर पीएनआई मेरी ब्रांच है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, उसमें मुझे रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, यानी हमारा जो एक टॉपिक था जो हमारे मैंने पढ़ा जो आईआईटी में मैंने तैयारी की उसमें रिसोर्स प्लानिंग एक प्रॉपर चैप्टर था, ठीक है, जियोग्राफी ऑप्शनल, इसमें भी रिसोर्स प्लानिंग एक प्रॉपर मतलब क्रिया है, जियोग्राफी ऑप्शनल में भी आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है, और सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, इन तीनों चीज़ में कॉमन है कि आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है, इस वजह से सर मैंने जियोग्राफी ऑप्शनल लिया, ठीक है। तो ये तरीका आप बता सकते हैं ना, ये तरीका आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं सर मेरा इंटरेस्ट भी था, फिर आप आगे की चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन फोकस आपका होगा कि ऑब्जेक्टिव आंसर आप देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आंसर आप देंगे। अब मैं बात करता हूँ कि डेफ कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मेरा डेफ है, थोड़ा सा ओपन होने में इसको टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी कि दूसरे मैंने, अब डेफ कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आप क्या करिए अपना डेफ ओपन करिए, जो आपने अभी जो फॉर्म फिलअप किया होगा आप अपना डेफ ओपन करिए पूरा प्रॉपर, ठीक है, और क्या करिए एक दो टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू, जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि जुनैद अहमद खान, मैंने एक जुनैद अहमद खान सर है वो फिफ्थ रैंक आई थी, ठीक है, तो मैंने उनका देखा है ना, उनके इंटरव्यू को मैंने सीखा, उनके इंटरव्यू सीखा, तो आप क्या करिए उनके दो चार मॉक इंटरव्यू के वीडियोस देखिए, मॉक इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, अपने डेफ में उन चीज़ों को मार्क्स कर लीजिए। जैसे पूछा क्या, जैसे मॉक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो एक क्वेश्चन आप ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए कि आपके बारे में, तो आप क्या बता सकते हैं, अपना शहर बता सकते हैं, अपने एजुकेशन बता सकते हैं कि मैंने एजुकेशन यहाँ से ली, अपनी फादर की जॉब बता सकते हैं कि वो कहाँ जॉब करते थे, और अभी आप क्या कर रहे हैं करेंट में आप ये बता सकते हैं। तो तीन चार चीज़ें आप, अगर आपसे पूछे कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ में, दो तीन चीज़ें आप बता सकते हैं, अपने माता पिता भाई बहन इन सब के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। अगर बहुत टाइम मिले एक्स्ट्रा तो आप चेस खेलना बता सकते हैं, है ना, जैसे मेरी हॉबीज है तो आप ये बता सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको डेफ पे अपने तैयार करना है, इन चीज़ों को आपको डेफ में प्रिपेयर करना है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। डेफ कम से कम 40 बार रीडिंग करिए, मतलब ढेर सारी रीडिंग करिए, डेफ कई बार रीड होना चाहिए, मतलब आप पूरा पढ़ डालिए एक बार कि आपने क्या क्या लिखा, छोटा छोटा पॉइंट भी ना छूट जाए। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि 26 मार्च को मेरा बर्थडे है, ठीक है, 26 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो मैंने प्रॉपर लिखा कि जब पैदा हुआ तो कौन प्रधानमंत्री था 1997 में, 1997 मेरी बर्थ डेट है, ठीक है, 1997 मेरी बर्थ डेट है, मैंने प्रॉपर लिखा कि कौन प्रधानमंत्री था, उस समय राष्ट्रपति कौन था, ठीक है, इन चीज़ों को। फिर जैसे मेरे फादर कहाँ काम करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में, तो मैंने बताया, तो मैंने इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पीएनबी में हाल में ही काफ़ी फ्रॉड के प्रॉब्लम आए थे, तो उन चीज़ों को मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है। तो आपको डेफ ऐसे पूरी प्रिपेयर करनी है। आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने इन चीज़ों को प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। इवन कई क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, जैसे मैं आईआईटी रुड़की से पढ़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपने तो क्या किया, एक मतलब आपने क्या किया, सीट बर्बाद कर दी, है ना, आपने सीट बर्बाद कर दी, आपने आईआईटी में पढ़ाई की, अब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये देखिए, है ना, ये लिखा है ना, वाई आईएएस आफ्टर बीटेक, तो इन चीज़ों को, वाई नॉट आईएएस, इन तरीके के क्वेश्चन आप डेफ में अपने लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डेफ हैंग हो रहा है, असल में ये दूसरे सॉफ्टवेयर था, तो ये थोड़ी सी इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप, मैं डेफ ही दिखा देता हूँ ओरिजिनल, यहाँ पे जो ओरिजिनल डेफ है उस पे तो मैंने लिख रखा है। तो डेफ को आपको ऐसे पूरा प्रॉपर प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये जो पूरा डेफ है इसको ढंग से आपको एक एक चीज़ के बारे में, कि गोरखपुर है तो गोरखपुर की क्या प्रॉब्लम है, डेफ में कहीं देवरियाँ लिखा है तो देवरियाँ की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर है उसका नज़र यहीं पर जाता है। डेफ में आप दिखा रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन किया 1995 में और सिविल सर्विस में अपीयर हो रहे हैं 2020 में, भैया ये 25 साल का गैप क्यों है, इस बात को आपको बताना होगा कि सर मैं कुछ कर रहा था, मैं ऐसा बिजी हो गया था, या मेरे साथ सिचुएशन ऐसी नहीं थी, इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए प्रॉपर, इस बात को समझिएगा। इवन सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि आपका नाम गौरव है, ठीक है, तो नाम का मतलब क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इवन एक मॉक इंटरव्यू में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि गौरव, गर्व, है ना, गर्व एवं अभिमान में क्या अंतर है, ठीक है, इन तरीके के क्वेश्चन आप अपने नाम से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए पूरे जो इंटरव्यू की सेशन है ना, इस तरीके से आप इसको आराम से एक एक करके प्रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको और क्या इश्यूज आ रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगा, और अगर एक दो वीडियो बनाने होंगे तो उसको बना के इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।